कोरोना संक्रमित मरीज इलाज के लिए इन दिनों अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। अस्पताल अगर मिल भी गया तो बेड नहीं है, बेड उपलब्ध हुआ तो ऑक्सीजन नहीं है। कमोवेश ऐसी स्थिति लगभग सभी जगहों पर है, लेकिन कोरोना के इस कठिन भरे समय में भी 100 बेड वाला अस्पताल पिछले 9 साल से यूं ही पड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं निरसा के पांडरा स्थित रेफरल अस्पताल की, जहां 5 करोड़ की आबादी से बने इस अस्पताल का आज तक उद्घाटन नहीं किया गया, जबकि क्षेत्रीय विधायक लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं। क्या है अस्पताल की हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। आपकी टीवी स्क्रीन जो ये भवन दिखा रही है, ये निरसा का सरकारी अस्पताल है जो आज भी वनवास काट रहा है। निरसा में आज जहां एक मरीज एक एक बेड के लिए अस्पतालों का चक्कर लगाकर अपनी जान गंवा रही हैं, वहीं क्षेत्र में कई ऐसे अस्पताल बनकर तैयार खड़े हैं जो सरकारी उदासीनता और स्वास्थ्य विभाग की कमी की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे। फलस्वरूप आज निरसा की जनता को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ये दोस्तों व्यवस्था का है, यह सर राज्य सरकार का है, ये झारखंड सरकार जो आज है वह सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। माननीय अपर्णा सेन गुप्ता अगली बार जब विधायक थी तो इनका अनुशंसा पर यह रेफरल अस्पताल हुआ। निरसा में एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जो कि 2 लाख प्लस की यहाँ की आबादी है, और एक अस्पताल इसको संज्ञान में सरकार को लेकर के इसको चालू करना चाहिए, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आज यह अस्पताल पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में हो गया है। 2019 में जनप्रतिनिधियों की मांग पर राज्य सरकार के द्वारा पानी, बिजली और सैनिटरी के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लोगों में एक आशा की किरण जगी कि शायद अब ये अस्पताल शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से लोगों को निराशा ही हाथ लगी। इसमें सरकार की पूरा लापरवाही है। 2005 में उस समय निरसा की विधायक जब अपर्णा सिंह गुप्ता थी, उनके द्वारा 100 बेड का ये अस्पताल लाया गया था, लेकिन आज तक इसको चालू नहीं करवाया गया। जबकि कितना विधायक आए, उसके बावजूद भी विधायक बदले, सरकार बदली, लेकिन कोई इस पर कार्रवाई नहीं किया गया। और आज वर्तमान में फिर से अपर्णा सेन गुप्ता जीत कर आई है, लगातार इसको लेकर विधानसभा में सवाल उठा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जो है झारखंड के झारखंड जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पर कार्रवाई करने की बहुत आवश्यकता है, नहीं तो बहुत लोगों को इस कोरोना महामारी में काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है। अगर ये अस्पताल अगर बंद कर अभी चालू होता तो इससे लाखों लोगों को फायदा मिलता। बता दें कि अस्पताल की नींव 27 नवंबर 2018 में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही, सांसद चंद्रशेखर दुबे, विधायक अर्पणा सेन गुप्ता समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रखी गई थी। साल 2012 और 13 में अस्पताल का भवन पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, लेकिन अब तक अस्पताल चालू नहीं किया गया। हम लगातार विधानसभा जब चल रहा था, बजट सेशन चल रहा था, इससे पहले भी हम इस बात को विधानसभा में भी रखे हैं, और क्योंकि ये अस्पताल चालू हो जाने से ग्रामीण क्षेत्र में जो अभी कोरोना पांव पसार रहा है, इससे राहत मिल जाएगा। जो कोरोना पॉजिटिव आ रहा है पेशेंट, उसको राहत मिल जाएगा यहाँ इलाज होने से। अस्पताल का विराट दिखने वाला भवन अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होता जा रहा है, जहाँ अस्पताल के शुरू होने से स्वास्थ्य सुविधाएं बड़ी ही आसानी से मिल सकती थी। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना काल में इस अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अगर ये अस्पताल शुरू हो जाए तो आसपास के लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। धनबाद से नीरज की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।